तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 4x4 रूबिक्स को कैसे सॉल्व करें। और इस वीडियो का लाइक एम है ओनली एंड ओनली फॉर 10 लाइक्स, तो जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। तो ज़्यादा बकवास न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमें 4x4 रूबिक्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सेंटर्स को बनाना होगा। तो हम सेंटर्स कैसे बनाएंगे, देखिए इधर टोटल 4 सेंटर्स है। फिर इसके अंदर हमको सबसे पहले इधर एक वाइट सेंटर, इधर एक वाइट सेंटर तो है ही, और हमें इधर एक वाइट सेंटर और इधर एक लाइन सेंटर दोनों लाने हैं। ऐसा हमको सारे के सारे सेंटर्स के साथ में करना है। तो सेंटर्स को बनाने के लिए कोई भी केस नहीं होता, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक होती है। सबसे पहले हमको कोई सा भी एक सेंटर से स्टार्ट करना है, जैसे कि मैं अभी वाइट से कर रहा हूँ। तो फिर हमको भी इधर एक सेंटर दिख रहा है और इधर एक सेंटर दिख रहा है। अगर हमारे ये सेंटर ऐसे होता तो इधर से मैच नहीं होता, तो हमको इसको ऐसे करके ऐसे मैच करना पड़ेगा। लेकिन हमारा अभी मैच हो रहा था तो मैंने कर दिया। उसके बाद हमको इससे इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद हमको ये वाला नहीं करना है, हमको करना है इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला। फिर वाइट का अपोजिट होता है येलो, तो फिर हमको येलो को करने के लिए 2-2 स्ट्रिप्स बनानी होगी अलग अलग। तो फिर उसके लिए जैसे कि मेरा एक इधर है, मैं इसको 2 times रोटेट करके ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ। उसके बाद इसको ऐसे ऊपर ले गया, हमारी इधर ये एक स्ट्रिप बन गई। और अभी हमको सेकंड स्ट्रिप बनाने की कोशिश करनी है इधर। तो फिर अभी मेरा एक सेंटर इधर है और एक सेंटर इधर है। तो फिर मैं अभी इसको ऐसे नीचे ले जाऊँगा 1 time। उसके बाद फिर ऐसे करूँगा, उसको से नीचे करके वापस ऐसे कर दूँगा। तो अभी हमारी एक स्ट्रिप इधर बन गई और एक स्ट्रिप इधर बन गई। तो फिर अभी हमको इनको ऐसे सामने सामने रखना है सेम लाइन में। उसके बाद ऐसे करके 2 times नीचे लेके जाना है, उसके बाद वापस से बैठ जाना है। तो अभी हमारा वाइट भी बन चुका है और ये येलो भी बन चुका है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब आप येलो बनाओ तो आपको वापस से इसको चेक कर लेना कि कहीं ये बिगड़ा तो नहीं है। तो फिर अभी हमको बनाना है ग्रीन। तो अभी हमारा वाइट और येलो बन के रेडी हो चुका है। तो फिर अभी इधर वाइट के अपोजिट साइड में येलो ही है। तो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीन से। तो फिर सबसे पहले हमको इधर इस साइड में ग्रीन बनाना है, उसके बाद इधर रेड बनाना है। अगर हमने रेड की जगह पे ऑरेंज, ब्लू या फिर कोई भी दूसरा कलर बना दिया तो ये सही नहीं होगा और ये वो लास्ट में जाके सब कुछ बिगड़ जाएगा। उसके बाद हमको इधर ब्लू बनाना है और फिर इधर ऑरेंज बनाना है। तो चलिए पहले ग्रीन से शुरू करते हैं। मैं इधर ग्रीन बना रहा हूँ, वही सेम स्टेप्स। हमको स्ट्रिप्स बनानी है 2 strips। फर्स्ट स्ट्रिप बन गई और सेकंड स्ट्रिप मैंने, देखिए इधर और इधर सेंटर है, फिर मैंने इसको ऐसे नीचे किया तो इधर ये इधर से ऐसे मैच हो जाएगा। तो फिर अभी इधर ऐसे ये बिगड़ जाएगा, ये देखिए इधर बिगड़ रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे नीचे लेके चला जाऊँगा, तो फिर अभी ये इधर से बिगड़ेगा नहीं और ये हमारी स्ट्रिप भी बन गई। तो फिर अभी मैं इसको ऐसे ऊपर करके इसके साथ में अटैच कर दूँगा। तो अभी हमारा ग्रीन वाला बन चुका है। और ये क्या, हमारी तो ये रेड वाली एक स्ट्रिप बनी हुई है, तो फिर हमको रेड वाली एक ही बनानी है। तो फिर अभी इधर भी अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ये वाली बिगड़ जाएगी। वापस से वही स्टेप्स लगाएंगे, इसको ऐसे नीचे लेके गए, इसको ऐसे मैच किया, वापस से इसको ऐसे ऊपर लेके आना पड़ेगा अभी। उसके बाद वापस से इसको पीछे लाना पड़ेगा वरना फिर ये वाला बिगड़ जाएगा। तो फिर अभी हमारी ये दोनों बन चुकी है। अभी हम लोग को जैसे हमने येलो वाले सेंटर के साथ में किया था वैसे करना है, दोनों को एकदम सेम लाइन में लाना है। उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर F2, फिर वापस से बैठ जाएंगे। तो अभी हमारा ग्रीन और रेड बन चुका है, ये देख लीजिए ग्रीन और ये रेड। तो अभी हमको बनाना है इधर, हमको ये क्या, हमारे सारे सेंटर्स बन चुके हैं। तो फिर अभी मैं आपको वापस से ये ऑरेंज और ये ब्लू स्क्रैम्बल करके बताता हूँ। लास्ट वाले सेंटर के लिए हमारे पास में 2 tricks है। सो अगर आपको
ऐसे एल मिले दोनों साइड में तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर आपको इधर स्ट्रिप्स मिले तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये वाला ही बताता हूँ। तो फिर सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये रेड के बाद में इधर कौन सा वाला एल बना हुआ है, और अगर इधर ब्लू वाला हो तब तो सही है। और फिर तो फिर ये वाले केस के लिए हमको ब्लू वाले को बॉटम में लेके जाना है, उसके बाद इधर ये जो होना जैसे कि ये एल ऐसे बना हुआ है इसको हमको ऐसे ही रखना है, और अगर ये अगर ऐसे ऐसे हो तो फिर हमको फिर भी इसको ऐसे ही लाके आना है। उसके बाद ये जो ये अपना इधर का ये ब्लू वाला सेंटर है ना इसको ऐसे ही लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड में बैक साइड में। उसके बाद स्मॉल आर यू प्राइम सॉरी यू फिर आर प्राइम, तो भी हमारे ये दोनों बन चुके आप। तो फिर अभी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिप्स वाला। तो फिर ये है हमारे स्ट्रिप्स वाला। तो फिर इसके अंदर हमको क्या करना है कि दोनों के दोनों स्ट्रिप्स को ऐसे सामने सामने रखना है, वो जैसा हम लोग ने रेड और येलो के साथ में किया था ऐसे। उसके बाद हमको जो वाला कलर हमको इधर लाना है वो वाली स्ट्रिप को हमको ऊपर रखना पड़ेगा, देखिए ऐसे। जैसे कि हमको इधर ब्लू लाना है तो ऐसे दोनों को ऊपर रखना, फिर ये जो बीच वाले ना इसको ऐसे करेंगे ऐसे आर टू, फिर वापस इसको पीछे लेके आ जाएंगे। तो अभी हमारा ये सेंटर बन चुका है, तो अभी हमको बनाने एजेस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पार्ट टू का इंतजार कीजिएगा। और पार्ट टू सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन तो आपको याद ही होगा।